सिरोंज में शासन के बुलडोजर सख्ती से अतिक्रमण हटाते दिखाई दिया। एक ट्रैक्टर वर्कशॉप को करीब 20 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई में तोड़ दिया। तहसीलदार संजय चौरसिया ने कहा कि बिना अनुमति के सरकारी रास्ते पर बना हुआ ट्रैक्टर शोरूम का उतना हिस्सा तोड़ा गया जो सरकारी गोहे पर बना हुआ था। पास में ही लोहा पीटा समाज के 5 से 7 कच्चे टपरे और कुछ पक्का निर्माण भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। नगरपालिका के कर्मचारियों ने सामान हटाया और 3 बुलडोजर की मदद से टपरे और मकान तोड़ दिए गए। अतिक्रमण हटाते समय लोहा पीटा अग्रिया समाज की महिलाओं ने काफी विरोध किया। वह रोड पर लेट गई, पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की धमकी भी प्रशासन को दी और खूब खरी खोटी भी सुनाई। कई बार खींचतान की स्थिति बनी, लेकिन सिरोंज एसडीओपी उमेश तिवारी पूरे दमखम से हालात के सामने खड़े रहे और काबू बनाए रखा। एसडीएम हर्षल चौधरी, तहसीलदार संजय चौरसिया और सीएमओ राम प्रकाश साहू लगातार अमले को निर्देशित करते रहे। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन जगह को अतिक्रमण मुक्त करवा सका। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। मेरे बाप दादा यहीं रहते थे यार। मेरी शादी हुई, मेरे बाप की शादी भी यहीं हुई। अच्छा। मेरे लड़के की शादी भी यहीं हुई, मेरी लड़की की शादी भी यहीं हुई। 50 साल हो गए। शादी जयंती के दिन हमारा मकान तोड़ी इन लोगों ने। मिला था, मैंने श्रीमान को निवेदन किया तो अगर SLR से नफा दिया जाए मेरा, तो मेरे पास कागज है, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास सीमांकन है। सीमांकन की ब्याप पे ही मैंने ये जमीन खरीदी थी। उस टाइम से मैंने और 4 फीट जगह छोड़ के बनाई थी। ये शासकीय भूमि का एक गोहा रास्ता था, वो उसमें अतिक्रमण हो गया था, तो उस शासकीय वेयर हाउस की जमीन पर भी इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था और उस अतिक्रमण हटाने के लिए हमें निर्देश मिला था। न्यायालय से 248 में बेदखली आदेश पारित किया गया है इनके खिलाफ, उसके बाद कार्रवाई की गई है इनको शासकीय भूमि। शासन की कोई भी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं होती। नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा शोरूम बनाते समय भी अनुमति नहीं ली गई है और रास्ते पर बना हुआ है उनका शोरूम, तो जो रास्ते की जितना हिस्सा आ रहा था उतना ही तोड़ा, ज़्यादा नहीं तोड़ा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।